सैफई कोविड-19 संक्रमण की दूरी लहर के बीच विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर राजकुमार ने विश्वविद्यालय के इमरजेंसी ट्रामा एवं अन्य जरूरी विभागों का आकस्मिक निरीक्षण कर इमरजेंसी व्यवस्था एवं अन्य जरूरी दवाओं की उपलब्धता की जांच की। इमरजेंसी ट्रामा के निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्ट्रेचर तथा व्हीलचेयर एरिया में फैले गंदगी पर नाराजगी जाहिर की। इमरजेंसी विभाग में निरीक्षण के दौरान उन्होंने सभी जीवन रक्षक दवाओं की उपलब्धता तथा उपकरणों को देखा तथा उपकरणों के सही परिचालन पर संतोष व्यक्त किया। इमरजेंसी में जांच के दौरान 3 लेरिंगोस्कोप को चेक किया गया जो ठीक से काम करते पाए गए। इसके अलावा ऑक्सीमीटर तथा मॉनिटर भी काम करते पाए गए। इमरजेंसी विभाग में सभी जीवन रक्षक दवाएँ तथा अन्य जरूरी दवाएँ पर्याप्त मात्रा में पाई गई। इस दौरान उन्होंने इमरजेंसी में भर्ती मरीजों तथा उनके परिजनों से भी बात की। मरीजों तथा उनके परिजनों द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा दी जा रही इमरजेंसी सेवाओं की सराहना की गई। निरीक्षण के अंत में कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर राजकुमार ने ब्लड बैंक, MRI एवं सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड तथा डायलिसिस यूनिट का भी निरीक्षण किया। डायलिसिस यूनिट में निरीक्षण के दौरान वहां सभी मशीनें, मॉनिटर तथा दवाएं पर्याप्त मात्रा में पाई गईं। साथ ही सभी हेल्थ केयर वर्कर्स अपनी जगह पर उपस्थित पाए गए। निरीक्षण के बाद बात करते हुए कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर राजकुमार ने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान विश्वविद्यालय का इमरजेंसी विभाग तथा कोविड-19 अस्पताल दूर पूरी तत्परता से कार्य कर रहा है। इस दौरान विश्वविद्यालय की कोशिश है कि जरूरतमंदों को बेहतर चिकित्सीय सेवा उपलब्ध हो। इसके लिए विश्वविद्यालय के हेल्थ केयर वर्कर्स दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने जन सामान्य से अपील की है कि कोविड-19 महामारी के दौरान अनावश्यक रूप से अस्पताल परिसर में भ्रमण ना करें। यह बेहद संक्रामक हो सकता है। जरूरी होने पर विश्वविद्यालय की EOPD टेलीमेडिसिन सेवा की मदद लें। निरीक्षण के दौरान कुलपति प्रोफेसर राजगोपाल के साथ प्रति कुलपति डॉक्टर रमाकांत यादव, संकाय अध्यक्ष डॉक्टर आलोक कुमार, चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर आदेश कुमार, कुल सचिव सुरेश चंद शर्मा, इमरजेंसी एवं ट्रामा सेंटर के चिकित्सा अधिकारी आदि उपस्थित रहे। रिपोर्ट साइमुल हसन।